हेलो एवरीबॉडी, तो वेलकम। तो सुबह हमें जल्दी उठना है, लगभग 4 बजे, क्योंकि कल हम जा रहे हैं सोल से बाहर। जो कि जो जब पिछले साल मैं एक कंपनी के साथ देगू वगैरह गई थी घूमने के लिए, जो हमें घुमाते फिराते हैं, क्योंकि हम इन्फ्लुएंसर हैं। मैं इन्फ्लुएंसर नहीं कहती अपने आप को, बट लोग कहते हैं और दूसरी कंपनी समझती है हमें। तो कोरिया में ये बहुत अच्छी बात है कि कोरियन गवर्नमेंट प्रमोट बहुत करती है टूरिज्म के लिए। तो आप आओगे तो आपको छोटे मोटे इवेंट्स वगैरह और ऐसे ट्रिप वगैरह मिलती रहेंगी, और उसके साथ थोड़े बहुत पैसे भी मिलेंगे। तो इंस्टाग्राम पे पेज फॉलो कर रही हूँ, कोरियन ट्रैवल करके कोई कंपनी है, उसका पेज है, तो उनको फॉलो कर रही हूँ। तो पहले एक दो बार जा चुकी हूँ मैं उनके साथ ट्रिप पे, साथ में कुछ हमने इंस्टाग्राम पे कुछ स्टोरीज वगैरह अपलोड करनी होती है, बट साथ में मुझे कंटेंट मिल जाता है पैसे से ज़्यादा। तो मैं इसलिए जाती हूँ क्योंकि मुझे फ्री में घूमने को मिल जाता है, नए लोगों से मिलने को, एक्टिविटीज़ करने को मिल जाती हैं, और आप लोगों को दिखा भी सकती हूँ मैं कि क्या क्या नया है कोरिया में। सिर्फ सोल वगैरह देखने लायक नहीं है, बहुत कुछ है। मुझे लगता है कि कोरिया छोटा सा, और मैंने ऑलरेडी काफ़ी सिटीज़ देख ली हैं, तो बस कोरिया उतना सही है। बट ये जो कंपनीज आती हैं, ये हमेशा नए नए सिटीज़ के टूर देती हैं जो कि मैंने सुनी भी नहीं है। तो इस बार हम जा रहे हैं, वो जा रहे हैं वांजू हेनाम। तो ये सब फर्स्ट टाइम सुना है मैंने इन सिटीज़ का नाम। और वहाँ पे कोई फेस्टिवल है, ट्रेडिशनल फेस्टिवल, तो उनको जाके प्रमोट करना है और उन सिटीज़ के बारे में दिखाना है। तो बस अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड करना है सारी एक्टिविटी। हम जा रहे हैं 3 days 2 nights के लिए, जाना है कल सुबह। KTX शायद नहीं जाती, तो इसलिए बस से जा रहे हैं, और सुबह जल्दी जगना है। मतलब हम सबको वहाँ पे गैदर होना है लगभग 6:40 पे, और उससे पहले मुझे उठना पड़ेगा 4 बजे सुबह, ताकि मैं आराम से अपना टाइम लेके थोड़ा तैयार व्यार हो सकूं। उससे पहले आज अपनी पैकिंग स्टार्ट करनी है। मैं सोच रही हूँ ये ले जाऊँ अपने साथ छोटा सा लगेज, क्योंकि इसको बस नीचे चलाना होता है। ले जा तो बैग भी सकती हूँ मैं, बट ये नहीं ले जा रही क्योंकि ये कंधे पे टांगते हैं और बहुत ज्यादा थक जाते हैं। और 2 रातें 3 दिन है, तो 3 जोड़ी कपड़े जब भी ट्रैवलिंग करती हूँ कोशिश करती हूँ कम से कम सामान ले जाऊँ। इंडिया में जाती हूँ तो बैग में मेरा काम हो जाता है, चाहे मैं कहीं पे भी जाऊँ। कोरिया में इसलिए क्योंकि मेन है जो इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब वगैरह पे अपलोड करना है, तो ऑब्वियसली थोड़ा प्रेजेंटेबल लगना है, तो इसलिए थोड़ा स्किन केयर ज्यादा हो जाता है, मेकअप ज्यादा हो जाता है, कपड़े भी ढंग के पहनने पड़ते हैं, वरना लोग और अच्छे बन के आते हैं तो आपको लगता है आप क्या आए भाई चले आए हो। ये मेरा यूट्यूब, जब भी मैं कुछ काम क्लीनिंग वगैरह करती हूँ, खाना बनाती हूँ, तो इसको ही बजाती हूँ। और इसमें मैंने फाउंडेशन रखा था, ये छोटा सा मेकअप बेकार हो गया। ठीक, ये दो फाउंडेशन मिक्स करके मैं लगाती हूँ, कि अगर ये लगाती हूँ सिर्फ डियोर का तो ये थोड़ा ऑयली स्किन हो जाती है और फिर मास्क में सारा ट्रांसफर हो जाता है। अगर ये सिर्फ लगाती हूँ तो स्किन ड्राई कर देता है, और अगर इन दोनों को मिक्स करके लगाओ तो अच्छा सा मतलब कॉम्बिनेशन बनता है और अच्छे से स्किन पे रहता है पूरे दिन। ये लेंस केस है, इसमें मैंने दोनों का थोड़ा थोड़ा अमाउंट इसमें रख दिया था, पर ये लीक कर गया। तो और वैसे भी थोड़ा अनहाइजेनिक होता है क्योंकि हमें अपनी फिंगर डिप करके लगाना पड़ता है, तो मैं सोच रही हूँ इसे ना ले जाऊँ क्योंकि थोड़े पिंपल हो जाते हैं मेरे। ये मैं मेकअप के लिए ले जा रही हूँ, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा, फेंटी। ये है फेंटी हाउ मेनी कैरेट्स डायमंड बॉम, और ये मैंने पिछले साल लिया था तो मुझे काफी अच्छा लगा। वैसे ये हाईलाइटर है पर मैं आई शेडो के जैसे यूज करती हूँ, तो बहुत सुंदर लगता है। और इसके साथ ये दो फाउंडेशन ले जाऊंगी, ये मेरा परफ्यूम है, ये है लैंकोम लबेल, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। कोरिया में ये अवेलेबल है बट इंडिया से ज्यादा महंगा है, तो मैं सोच रही हूँ कोई नया परफ्यूम लूँ। कल मैंने जारा पे गई थी तो जारा के अच्छे लगे, तो सोच रही हूँ वही लूँ। और अभी हाल फिलहाल में मैं ये यूज कर रही हूँ, डियोर पॉइजन गर्ल, ये भी मुझे अच्छा, ये रोल ऑन है तो ट्रैवलिंग पर्पज से अच्छा है, तो इसे ही ले जाऊंगी मैं। ये दो लिप शेड हैं, ये मुझे बहुत अच्छे लगे, बहुत टाइम से यूज कर रही हूँ मैं इन दोनों को, नास का लिप बाम छोटा सा। बाकी ये वेड वाइप्स, ये मेरी मेडिसिन, ये लेके जा रही हूँ इमरजेंसी में, आई होप इसकी जरूरत ना पड़े। मेकअप रिमूविंग वाइप्स, ये मेरा ब्रश और सनग्लासेस, और ये ट्राइपॉड, ये सारा स्किन केयर, डिओड्रेंट, और इसमें टूथपेस्ट और ब्रश और एक्स्ट्रा आई लेंस, सनस्क्रीन, वी वॉश, और ये शावर जेल, वैसे तो होटल में मिलते हैं शावर जेल बट इन केस, और ये शैम्पू भी इन केस, और ये मेरा सीरम टोनर, और ये नायसिनामाइड ऑर्डिनरी से क्लेंजर, हेयर बाम शैम्पू के बाद, और ये लिप ऑयल कुछ, और ये हेयर स्ट्रेटनर। अभी 2 दिन लगेंगे तो बाल ऑयली हो सकते हैं थोड़े बहुत, घूमने घामने में ड्राई भी हो सकते हैं, तो हेयर वॉश करने की जरूरत पड़ेगी तो ये, वरना बाल बहुत फ्रीजी हो जाते हैं, तो ये मेरे को जरूरत पड़ती है ले जाने की। आइए अब अपनी पैकिंग स्टार्ट करते हैं। मेकअप, स्किन केयर, फ्लैट आयरन, ट्राइपॉड, सनग्लासेस, हेयर ब्रश, मेडिसिन, और ये मेरा वॉलेट, और इधर रखूंगी अपने कपड़े।
ये रहे मेरे कपड़े कल के लिए, अभी इसमें ये फिट करना है और टॉवल फिट करनी है, बस हो गया। एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग, और अब बज रहे हैं 5:30 सुबह के, तो सबवे चालू हो चुकी हैं और मैं घर से पहले ही बाहर निकल के आ गई। टाइम है गैदर होने का 6:40 पर। बस से हम पहले जाएंगे सोल से वांजू, वांजू से हे नाम आज ही। तो मैं आज रात को वैसे सोई नहीं क्योंकि मुझे नींद ही नहीं आई, मेरा टाइम ही सोने का 2-3 बजे है तो 4 बजे उठना था और मुझे लगा कि अब क्या ही सोएं, और मुझे भूख भी लग रही थी उस टाइम, तो मुझे लगा कि चुपचाप से उठ जाते हैं, खाते पीते हैं, अगर मैं भूखी रह गई तो मैं पूरे दिन परेशान रहूंगी। हमें जाना है योंगसान, योंगसान और सोल स्टेशन दोनों केटीएफ के मेन स्टेशन है सोल में। योंगसान यहाँ से बहुत पास में है, 12-13 मिनट मेरे घर से, तो इतना दूर नहीं है, तो इसलिए मैं जल्दी आ गई हूँ ताकि टाइम पास कर सकूँ। अभी तक तो मैं बहुत एक्साइटेड थी, जो साइकिल है स्लीप साइकिल वो मुझे हिट कर रही है, और अब टाइम हो रहा है मेरा सोने का, और जैसे ही सोने वाला टाइम होता जाएगा मैं डल होती जाऊँगी तो चलिए चलते हैं योंगसान, लेट्स गो। लाइन पे आई हूँ, वो रैपिड ट्रेन है मतलब एक्सप्रेस वाली, तो वो आएगी 5:46 पर, अभी हो रहे हैं 5:40 तो 6 मिनट बाद आएगी, वरना नॉर्मल ट्रेन तो आ रही है जो हर स्टेशन पे रुक के जाती है। योंगसान मेन स्टेशन है और जहाँ मैं रहती हूँ वो भी मेन स्टेशन है, तो वहाँ एक्सप्रेस लाइन आती है, उससे टाइम बचता है, 12 मिनट लगेंगे टोटल। थक गई मैं इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़ के। हे एवरीबॉडी, तो हम अपने स्टेशन पे आ गए हैं, अभी 6 बज रहे हैं पर जाना है 6:40 पे। मैं जल्दी इसलिए आ गई हूँ क्योंकि मुझे कन्वीनियंस स्टोर जाना था और उन्होंने कहा कि वॉशरूम वगैरह होके आना, तो स्टेशन पे ही जाना, और बस निकलेगी 7 बजे और 1.5 घंटे बाद वो स्टॉप पे रुकेगी एक, तो फिर हमें प्रिपेयर होने के लिए बोला है।
तो सब कुछ हो गया है, वॉशरूम वगैरह सब हो गए हैं, हम तैयार हो गए हैं। अब हो रहे हैं 6:25 और अब बाहर आके एक बस ढूंढनी है। तो उन्होंने कहा है ग्रीन पार्क के पास आओ, वहाँ बस मिलेगी तुम्हें। और ये मेरा मास्क न्यू वाला नीचे जा रहा है। जो भी मास्क मैं लेती हूँ सब बड़े निकलते हैं या फिर नीचे चले जाते हैं नाक के नीचे। आई थिंक ये जो सामने आपको रेड कलर की बस दिख रही है शायद यही बस है। This is my bus. तो फाइनली हमें बस मिल गई है और ये हमारी सीट है, काफ़ी कंफर्टेबल है। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतने सारे लोग आएंगे। I'm gonna bother you a lot with the after trip promotional stuff. So please make sure you do it right. The first day you don't need to do anything, of course. I mean like enjoy the trip. The second day and the third day are the main concept, especially the show. The show is the main concept. So please make sure you take nice, very nice content. Other than that, enjoy yourself and have a good trip. Hey guys, so हम अपने पहले स्टॉप पे रुके हैं और यहाँ ये पता नहीं कौन सा वाला स्टॉप है और यहाँ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा भीड़ है, बहुत ज़्यादा। पता नहीं लोग सारे कहाँ जा रहे हैं, क्वांजू जा रहे हैं या फिर वॉन्जू जा रहे हैं, पर बहुत ज़्यादा भीड़ है। खाने पीने के बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे और आई थिंक मैं यहाँ पे पहले भी आ चुकी हूँ, शायद क्वांजू जब BTS कॉन्सर्ट में गई थी आई थिंक तब। अब हम वॉन्जू में आ चुके हैं बट अब मेरे को नींद इतनी आ रही है कहीं बस से बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा था, बट यहाँ पे उन्होंने कहा कि बाहर आना पड़ेगा, सबको ग्रुप फोटो वगैरह लेने पड़ेंगे। यहाँ पे आते ही पता नहीं गोबर की स्मेल आ रही है मुझे। तो ये है वॉन्जू फूड फेस्टिवल और मुझे लगा था ये कोई फेस्टिवल है बट फूड फेस्टिवल है ये नहीं पता था। हम आए यहाँ पे अपनी बस से, फिर बस को एक पार्किंग में पार्क करा, फिर उसके बाद भी एक और बस ली जो यहाँ पे स्पेशली बस चलाई गई है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा है ये फूड फेस्टिवल। फूडी फूड होगा, आई होप वेजिटेरियन फूड भी हो, मज़ा ही आ जाए। तो ये एंट्री है फूड फेस्टिवल की। तो यहाँ पे लोकल फार्मर जो हैं, किसान हैं, उन्होंने अपनी अपनी स्टॉल लगा रखी है बड़ी क्यूट सी। किसी ने हनी की, किसी ने आलू की, किसी ने लहसुन की, किसी की प्याज की, मशरूम की और काफ़ी टाइप्स की। मेरा मन कर रहा है मैं ले लूँ बट फिर दो दिन के लिए मुझे कहीं आगे भी जाना है हमें, तो फिर वो ख़राब हो जाएंगे। और यहाँ सैम्पलिंग भी है तो आप टेस्ट वगैरह कर सकते हो।중국에 드셔도 한 봉다리 같은데. 원래 정량 담으면 되는데 서비스 하면 네. 녹을 수가 있어. 고마워요. 땡큐. 잘 살아. आने के देर नहीं हुई, हमें ऑलरेडी मज़ा आ रहा है। तो सबसे पहले मैंने ये स्नैक खरीदे जो कि मुझे बहुत पसंद है और मुझे बहुत सारे पैक करके दिए, पूरा पैकेट भर दिया है, कह रहे सर्विस सर्विस सर्विस, ले जाओ सब ले जाओ। सिर्फ 5000 का, ओह माय गॉड, पूरा पैकेट। अब देखते हैं, कुछ और एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे बढ़िया लग रहा है, वैसे यहाँ पे लोग बढ़िया हैं, यहाँ पे छोटे शहरों में लोग बढ़िया ही होते हैं। तो ये हनी और जिंजर का मिक्स है, इसको पी के देखते हैं कैसा लगता है। चाय नहीं पिए तो सोच रही हूँ यही पी लूँ। हम पता नहीं मेरे टीम वाले कहाँ चले गए लापता और मैं अकेली घूम रही हूँ यहाँ पे आराम से खाती पीती हुई। ज़्यादा खास नहीं है, अदरक और हनी का पूरा स्वाद आ रहा है, वो हेल्थ के लिए अच्छा है। जो चीज़ें हेल्थ के लिए अच्छी होती हैं वो टेस्ट अच्छी नहीं करती, पता नहीं क्यों। जो भी कोरियन फूड है आप वो सब खा सकते हैं यहाँ पे।